देखो यार, अगर तुम लोगों ने अभी तक AEW के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर मिनोरु सुजुकी का AEW रिटर्न नहीं देखा है तो गाइस मैं तुम लोगों को बता दूं, आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें मिनोरु सुजुकी, क्रिस जेरिको एंड सैमी गुवारा, एक्शन एंटिटी एयर फॉक्स और डांटे मार्टिन को फेस करते हुए दिखाई देते गए। और गाइस यहां पर इस मैच के अंदर आज मिनोरु सुजुकी एक ही करके उनके सारे अपोनेंट को नॉकडाउन कर देते गए। और गाइस यहां पर शिकागो में इस पूरे मैच के लिए क्राउड काफी ज्यादा चार्ज्ड अप होती गए, जहां पर बैक एंड फोर्थ काफी बढ़िया मैच के बाद मैच के एंडिंग पर सुजुकी के सबमिशन के साथ सुजुकी, जेरिको और गुवारा इस मैच को जीत जाते गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद क्रिस जेरिको उनका प्रोमो कट करते गए और गाइस जेरिको ये कहते गए कि लास्ट ईयर फॉरबिडन डोर पर मिनोरु सुजुकी, क्रिस जेरिको और सैमी गुवारा के शानदार मैच के बाद इस साल भी ये तीनों फॉरबिडन डोर पर टीम अप करेंगे। और गाइस इसके बाद जेरिको AEW के डायनामाइट शो के ऊपर स्टिंग और डार्बी एलन को फॉरबिडन डोर पर मैच के लिए चैलेंज करते गए, जहां पर जेरिको ये कहते गए कि वो इस साल फॉरबिडन डोर के ऊपर मिनोरु सुजुकी, सैमी गुवारा, क्रिस जेरिको वर्सेज स्टिंग, डार्बी एलन और मिस्ट्री पार्टनर के बीच में सिक्स मैन टैग मैच लड़ना चाहते गए। और गाइस यहां पर जेरिको के इस चैलेंज के बाद हमें स्टिंग अरीना में अराइव होते हुए दिखाई देते गए, जहां पर स्टिंग अरीना में आके क्रिस जेरिको के चैलेंज को एक्सेप्ट करते गए। और गाइस स्टिंग ये कहते गए कि स्टिंग का मिस्ट्री टैग टीम पार्टनर कौन होने वाला है ये मिस्टिंग AEW के डायनामाइट शो पर ना बता के बल्कि AEW के कोलिजन शो पर बताएंगे। और गाइस कुछ इस तरीके से AEW के डायनामाइट शो के ऊपर फॉरबिडन डोर के लिए एक और बड़ा मैच कन्फर्म हो चुका है।